क्या सोच रहा है? तू ये क्या काला लम कर रही था मेरे पे? अच्छा दिख रहा था। और क्या सोच रही हूँ यार, ये मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा यार। मेरी तो जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हो गई है नहीं नहीं यार। कुत्ते इज्जतदार होते हैं मामू, क्या हो गया? मैं वही तो कह, क्या बकवास कर दिया बे, नहीं क्या तेरा हुआ? दिमाग खराब हो रहा है? हर आदमी की शादियां हो रही है, लतीफ की कल शादी हो गई, बता यार। वो मेरी नहीं हो रही यार। मामू एक बात जहन में सोच लेना, इस घर में जो है ना शादी सबसे पहले मेरी होगी, मेरे अलावा मैं तो अब्बा की भी तलाक कराना चाह रहा हूँ। ये बात जहन में रख ले, मेरे से पहले किसी के सर पर सेहरा नहीं बनेगा। अबे तो ना बांधो ना सेहरा, मैं काम मना कर रही हूँ, मेरे नहीं बांधो सेहरा यार। अबे मामू तू अभी मेरे को जानता नहीं है, मेरा नाम शकील है, ये बता दूं। अबे भाई मैं जानता हूँ तेरे को यार। कैसे? अभी तो तूने बोला मैं शकील हूँ। अबे तू मेरी साइडें नहीं जानता है, मेरी साइडें कितनी खतरनाक हैं। मेरे से ज्यादा साइडें नहीं खराब होंगी तेरी, समझे? और साइड में मेरा जो काम है, मेरे भी बड़े दोस्त हैं वहाँ पे, कचरा चुनने वाले, चौकीदारी है, वो एक सीटी मारूंगा सब आ जाएंगे लड़ने के लिए। मामू तू पक्का जाहिल आदमी है, जाहिल, तेरे जैसा जाहिल मैंने आज तक देखा ही नहीं है। माशाल्लाह तू तो बहुत पढ़ा लिखा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तू कौन सा पढ़ा लिखा है? मैं पढ़ा रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पढ़ा हुआ था, परसों वहाँ पढ़ा हुआ था। हाँ तो बहन के घर में भी पढ़ा हुआ है। और क्या मामू, तुम्हारी इन बातों से मेरा दिल करता तुम्हें कोई अच्छी सी गाड़ी दे दू। नहीं उसके नीचे दू। लानत तेरी जिंदगी पे यार, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। या किसी काम के? तुम लोग मुझे बड़ा काम देते हो ना यहाँ पे, जैसे किसी काम के नहीं हो। कोई पूछता तो नहीं है यार, खुदा की कसम। काम दूं? दे दे यार। आसान काम है। बहुत आसान दियो, मेरे लिए मुश्किल ना हो। बहुत आसान दे दे। चल निकाल 1000 का नोट। कर दिया ना मुश्किल काम मेरे लिए। मुश्किल है और क्या, इससे आसान दूं? हाँ चल 2 500 के दे दे। हाँ 500 का तो थोड़ा आसान काम है, 1000 रुपया यार ये ले। बस ये याद रखना, मैंने 1000 मांगा था तुमने दिया नहीं। नहीं भैया तो मुश्किल काम क्यों करूं, जो आसान है मेरे लिए वो करूं। 500 के दे दो तो वो तो आसान हो गया है। ये तो 1000 नहीं ले गया मेरे से, बात तो उधर ही रुकी। रात तेरा मनुष्य आदमी, सर्दियों में कुत्ते बहुत रोते हैं ना, उसी की आवाजें निकालता है सारा दिन। अरे क्या हो गया, क्यों रह रही? सुबह शाम तेरे को मेरी बहन जलील को करती रहती है यार। आज किस बात पे पिटा है? शकील का दादा नहीं है जो मेरा बाप है। हाँ वो उस पर अभी तो तबसरा हो रही है कि आया कि नहीं है। यार उसके नंबर से अस्पताल में से फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि। क्या बकवास कर रहा है तू? अल्लाह ना करे गुजरे थोड़ी है, वो अस्पताल में पड़े हुए। अच्छा लाहौल वाला। क्या बोल रहे तू यार? मतलब तेरा अब्बा वो है ना, वो दादा की बात कर रही है। यार अल्लाह उसको सेहत दे, वैसे है लीचड़, अब क्या फायदा इसको दुआ करने का यार। पूरी बात है यार, तू मेरे साथ अस्पताल चल। ओ भाई उसकी अस्पताल जाऊंगा तो फिर एक शरत पे जाऊंगा, मास्क दिला दे मेरे को। एक मिनट चप्पल पहनने देना, सफर करना। कौन सा मरा जा रही है वो? फोन आया ना तो जख्मी होगा। अरे भैया मिठाई लेके जाता हूँ, पहली दफा मैं एक्सीडेंट में देखूंगा तो खुश हो जाएगा मुझे तुम्हारा अब्बा देख के। मिठाई ले लूंगा उनके लिए, और मिठाई भी इतनी महंगी थोड़ी, खाता शुगर है ना। हाँ। वो खाता 5 रुपए वाली गाय की गोली। चला जा चल जा यार। अल्लाह यार। अच्छा बात सुन यार। हाँ। अगर तेरे बाप को कुछ हो जाता है ना। हाँ। तो तारिक रोड के कब्रिस्तान वाले तो लेते हैं 2.5 लाख रुपए। अच्छा कब्र की पहले बात कर रहे थे, कोई तरीका थोड़ी है। अभी तक आए नहीं ये लोग अस्पताल से, फोन करती हूँ मैं। लो फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, अल्लाह क्या करूं समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। आजा आजा पिंकी जल्दी आजा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ खाला? खाला आज आप इतनी खुश क्यों है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ और कह रही आज आप इतनी खुश क्यों है? खाला एक तो आप हर वक्त परेशान ही रहती हैं। महक जी खाला, जब तुम आया करो ना तो इसको साथ नहीं लाया करो मेरा दिमाग खाने के लिए। पिंकी चुप नहीं रह सकती तू। खाला आपको तो पता ही है ना कि ये कितनी मुंहफट है। मुंहफट है ना, जब तू आया कर इसको साथ लेके, तो रास्ते में कोई मोची मिले तो इसका मुंह सिलवा के लाया कर। खाला आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है? अरे शकील के दादा का एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश हो गए थे। कमाल और शकील के अब्बा अस्पताल लेके गए। हाय अल्लाह खाला,
दादा के तो अभी खेलने कूदने के दिन थे। देखो, देख रही इसको, इसके ड्रामे शुरू हो गए। अरे उनकी ये उम्र थी खेलने कूदने की? इतने बुजुर्ग आदमी की देखो कैसी बकवास कर रही है ये। पिंकी तू बात नहीं आएगी ना, दादा के सिर्फ खेलने के दिन थे, कूदते तो वो अपनी जवानी में होंगे, कभी रजिया के घर में कभी मारिया के घर में। उठना बेटा, तुम लोगों का इलाज है मेरे पास। अच्छा खाला, क्या कौन सा? ऐसे 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 आओ, तुम आगे मुंह करो। चलो शाबाश, ऐसे 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 ऐसे। खाला ये तो तुम निकाल रही हो, बेइज्जती कर रही हो। यही होना चाहिए, मनुष्य मारिया, जरा सी भी अकल नहीं है मनुष्यों को, जो मुंह में आता बके चली जाती है, बके चली जाती है। यहाँ मैं परेशान हूँ और इनको अटकेलियां सूझी हुई है। अबे बहुत वजनी है भाई ये तो। आराम से यार, आराम से। 70 साल के गुनाह उठाए हुए हम लोगों ने यार, अजीब आदमी। अबे सांस रोक ले दादा, तो हल्का तो हो जाओगे तुम। अरे अल्लाह माफ कर दे। उई माँ बिठा इसको। रास्ते में आदमी कह रहा क्या पट्टी कराने जा रहे हो क्या? हमने कहा यार पट्टियां क्या कराए, मर गए भाई। सर अब्बा आप ठीक तो है ना? मुस्कुरा रही है। कमाल, हाँ क्या हो गया, सब खैरियत है? बस ऐसे खला में ढूंढता हूँ कुछ, फिर हंसता मुस्कुराता, समझ में नहीं आती है बाजी। हॉस्पिटल में भी यही कर दिया था। बोल क्यों नहीं रहे, क्या बात है? मैंने तो बहुत झंझोड़ा इनको, खला में देख रहे, नर्स को देख रहे थे यूं करके, और फिर मुस्कुराए। मेरा ख्याल है किसी कॉमेडियन की गाड़ी के नीचे आ गया ये। पापा, डैडी, डैडी मुझसे बात नहीं है, डैडी मेरा दम घुट रहा है, डैडी मैंने उसके बच्चे, तेरा नहीं मेरा दम घुट रहा है। देखा पापा को होश आ गया, इसको कहते हैं जादू की जफ्फी। अबे जादू की जफ्फी नहीं है वो, जाहिल आदमी टुच्चे, तेरे पसीने की बदबू से ये खड़े हो गए, समझे? ये खड़ा में ढूंढ रही है वहां पे, पता नहीं क्या हो गया। ओ बाबे जवाब दो, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? क्या बात थी इसकी, क्या बात थी, क्या हो गया? हमें लगता है हम आशिक हो गए, छाणेबाज हो गए। आशिक? 2022 में एक नया गुण आया मेरे अंदर। बाबा, बाबा जी मतलब आशिक और इस उम्र में? हाँ मुझे पता है अभी मेरी उम्र ही क्या है, आगे चल के कर लेता, लेकिन मोहब्बत और छाणेबाजी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। सुना है इस उम्र में लोग कहते हैं आदमी बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मसला नहीं है, मैं बच्चा नहीं हुआ हूँ, मैं पूरा ही। मुझे लगता है कि अब्बा ना ज्यादा चोट लगने की वजह से जरा भैगी भैगी बात का इश्क बहुत बुरा होता है ना, मुझे पता है। तुम लोग चुप करो, मैं पूछता हूँ अपने पापा से। पापा, डैडी आप मुझे बताएं कि आपको किससे लव हो गया है, LOVE लव? क्या पूछ लिया तूने? क्या गालियां पूछ ली, क्या पूछ ली? मत पूछ कमाल, मत पूछ। मैं तो नहीं पूछ रहा भाई। नहीं नहीं, चल पूछ लिया, जिद कर रहा तो मैं बता देता हूँ। बता दो। लंबे लंबे बाल, माशाल्लाह। घोड़ी थी क्या वो? अरे नहीं, ये मोटी मोटी आंखें। समझ गया मैं, कोई भैंस फसाई है इसने, भैंस। अरे नहीं यार, भैंस पर मैंने उससे गोबर लेने, ये बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी हुई आंखें बाहर को आई, ऐसा निकली हुई ना, इसने कोई फांसी पे लटकी हुई औरत देख ली है। अरे नहीं यार, चलती फिरती, हाय हाय हाय, लाश। क्या नाक थी, एक खड़ी नाक, गोलगप्पे फोड़ के छोले डाल के खा जाए, लकड़ियां चीर दे, कपड़े फाड़ ले इससे, इतनी अच्छी नाक, खड़ी नाक, खड़ी होगी बिल्कुल, कोई गुजरा होगा बैठी हुई नजर, उसने मारी लात, खड़ी कर दी होगी। अब वो नाक थी तेरी फप्पो थी, खड़ी कर दी, हाय होठ, हाय 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 हाय, मर जा मर जा। होठ क्या होठ थे, हाय हाय होठों से छू लो तुम। गाना उसके लिए गा रहा है या भीख मांग रहा है? पंखड़ी जैसी होठ थे कमाल, गुलाब की पंखड़ी जैसी। इतना सियाना है, कल मेरे को कह रहे कमाल बात सुन, तो मैंने कहा हाँ बोलो, मेरे कान में, मेरी नाक में कर दिया था इसको, इतनी जर से इधर से नाक नजर नहीं आई, कान नजर नहीं आया, पंखड़ियां नजर आ गई, बताओ इसको याद। अरे खींच रही थी अपने तरफ,
हाय हाय हाय, मकना तीसी ऊंट थे आए, तेरी माँ भी कुछ नहीं थी इसके आगे। मकना तीसी, हालांकि बत्तीसी होते हैं वो, तीसी थे, दो कम थे। अभी मेरे ख्यालों में रची बसी है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। कमाल, लिखे तो मुझे मिस कॉल मार दी हो, उसका नंबर दे दो मेरे को। मेरे पास होता तो तुझे बोलता, मनोज के बच्चे। मैं किस किस को लड़कियों को यहाँ मिस कॉल मार दूंगा। जी जी डैडी, तुझे दिखे तो कमरे में पहुंचा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है डैडी। बहू, तुमने अपने बेटे को सही दिया। आए ना जी, उसकी इज्जत करनी है तूने। अच्छा, ये टांग में चोट लगे तो आदमी लंगड़ाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे एंजॉय करता। हाय वो पापा, डैडी आप मुझे कोई उसकी तस्वीर दे देना, जैसे आएगी मेरे सामने तो मैं आपके कमरे तक ले आऊंगा उसको। मेरी आंखों में झांक ले, छप गई होगी। आपकी आंखों में तो मैं नजर आ रहा हूँ। दबाया, क्या लड़की थी। ओ हसीना ओ नीलम चरी, माफ करना परी, ले गई करके जादूगरी, दीदी ने आंखों ने छीन ली है। जवानी भी जवानी होती, संभल नहीं रही। 2022 में एनर्जी ज्यादा आ गई बहू। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जैसे आए ना जी। रोटी उठी को पूछ लीजिए, इज्जत करिए समझा कर। फकीर नहीं आ रही है क्या? अबे इसको बंद कर दे, ये डाकखाना फोड़ दूंगा मैं। हल्का नहीं लेना मेरे पापा को, 70 गांव के पंचायती है। बहुत बड़ा पंचायती है, तू नहीं बोल तो भी हमें पता। बाजी वो भैया ये तय हो गया, इस घर में शहनाई बजेगी। अब मेरी और शकील की तो शादी नहीं होती, ये जो है ना इसका बाप, ये खड़का लेगा लग रही है शादी। और अब तुम्हारी जो नई बहू आएगी ना। बहू कहाँ से आएगी? नहीं नहीं, ये जो तुम्हारी नई सास आएगी ना। हाँ। तो उसको उसका जरा सा ध्यान रखना। क्यों? मैं भी तो इस घर में रहता हूँ ना। क्या? क्या मेरा मतलब है कि मैं खुद ठीक नहीं हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया धक्का मार, चल चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी, चलिया धक्का मार, मेरे सपनों की रानी कब। अरे दादा आप तो बिल्कुल ठीक हैं। तो खराब कर दे। मामू ने तो कहा था आपका एक्सीडेंट हुआ है। अबे हाँ यार, एक्सीडेंट का इतना असर नहीं हुआ है यार, मैं उसको भूल नहीं पा रहा। किसको? मौत के फरिश्ते को? नसीबन का बेटा है ना। हाँ। अब नहीं हुआ है? नहीं, अबे बदतमीज लड़के। अबे अभी हमारी उम्र ही क्या है खेलने कूदने की है। खेलता कम हूँ कूदता ज्यादा हूँ। वैसे आज आप बड़ा खुश लग रहे हैं। हाँ मेरी कमेटी निकली है ना। बात सुन, दिल ले गई। जिस बेचारे को दिल दिया है उसका तो घाटे का सौदा हो गया ना। क्यों? अबे दादा के दिल के दो वाल बंद हैं। नहीं नहीं खुलवा लिए, ठंडा पानी भी आ रहा गर्म पानी भी आ रहा, आप आराम से बैठ के नहा ले। अच्छा ये सब मिक्स पानी। बात सुन, हाँ मेरा काम कर सकते हो तुम दोनों मनुष्य आवारा घूमते हो। क्या क्या? जिस औरत की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैंने उसके मेरे मुंह से एक ही गाना निकला था, एक्सीडेंट हुआ है रब्बा रब्बा, ये एक्सीडेंट परमानेंट, उसको घूम सकते हो? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है दादा। क्या तू बड़ा ढुनोबोल है मेरे ख्याल में। पहले आप ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ किधर? अबे वो बाबू भाई नहीं है पान वाला। हाँ। जिसकी दुकान पे काना कुत्ता बैठता है यूं। हाँ। इधर वाला कुछ कहे तो यूं भौंकता वाह। अच्छा। वो हाँ। उसके साथ जो रोड नहीं गली में जा रही है। हाँ। वहाँ पे। अच्छा वहाँ। हाँ। ढूंढ लेगा। हाँ दादा बस अभी हम पता लगा के आते हैं। अच्छा बात सुन, मेरे बच्चों ये लो। अरे वाह, 500 उसको देना, 500 तुम, और 490 दोनों वापस कर देना। ठीक है, 1000 मैंने दिया है ना। हाँ। 500 तुम रखना, 500 तुम रखना, वापसी पे 490 दे देना। तो मैंने 500 ही दिया तो 500 है ना, वापस लिया उसको छोड़ दो। लगता है दादा का बाप बनने का वक्त आ गया, समझा करो जाओ। और सुनो अगर नहीं मिली ना। हाँ। तो फिर घर से कोई अरेंजमेंट करना, जाओ। अरे बेफिक्र हो दादा, क्योंकि 10-10 रुपए लिए तुम लोगों ने, जहन में रखना। चल यार जफा उधर जाओ, अजीब आदमी। ओ नीचल बाबे मेरे साथ मुंह मांदी ना कर यार, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया हमारे लिए अजाब हो गया यार। बताओ मुझे कह रहा है उस औरत का पता कर जिसकी गाड़ी से मैं टकरा के आया हूँ, उसको कहीं से ढूंढ के लेके आ यार। अब मैं अकेला कहाँ जाऊँगा ढूंढने के लिए यार, है
अब क्या हर औरत को जो गाड़ी चला रही है उसको रोक रोक के पूछूं तुमने हमारा बंदा गिराया है क्या? कोई बताएगा क्या मैंने बंदा मारा है? अजीब आदमी यार निचल यार, मैं किधर से ढूंढूं यार? मेरे पास तो मोबाइल भी आजकल चार्ज नहीं है मेरा, क्या मैं चलो मिस कॉल मारूं किसी की जगह लग जावे, और जिसने मारा होगा बताएगी थोड़ी मैंने मारा है। ओहो कहती ना के फादी तेरे मेरी प्यार के जलवे हैं साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैंने खंजर मार दिया क्या? कोई है तो नहीं? नहीं अभी तो तुम आए हो, अभी तो कोई नहीं है। नहीं नहीं आप मेरी बात समझे नहीं, कोई है तो नहीं? नहीं नहीं है, सब हैं घर में। आप क्यों आए हो? भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, कोई है तो नहीं? इधर आ जाओ, इधर कोई नहीं है, इधर आ जाओ। आप समझे नहीं, कोई है तो नहीं? अबे तू कौन आदमी है बे, जब से आया कोई है तो नहीं है, कोई है तो नहीं? अरे भाई दिमाग खराब कर रहा तुमने था? भाई दरअसल पूछना था हाँ कि ये भट्टी साहब का घर है, कोई है तो नहीं? हाँ घर तो यही है भट्टी साहब का, लेकिन तुमको जो लूटना है ना वो लूट लो, मुझे गोली नहीं मारना यार, मेरे कपड़े खून वाले हो जाएंगे यार। नहीं 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 भाई, दरअसल जिस बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ था ना, जी जी हमारी बेगम साहिबा गाड़ी चला रही थी, उनका एक्सीडेंट बुजुर्ग का हो गया, तो हम अस्पताल भी गए थे भाई, अस्पताल से मालूम हुआ है कि ये घर है, तो हम यहाँ इसलिए आए, कोई है तो नहीं? नहीं नहीं वो बुजुर्ग तो यही है समझे, लेकिन आपकी बेगम साहिबा बाहर खड़ी है, सही है ना, और आप हमसे पूछ रहे हो कोई है तो नहीं, इस बात में हमें शक लग रही है, जरा बाहर जाके देखो बेगम साहिबा के पास तो कोई है तो नहीं? नहीं नहीं भाई मैं बुलाता हूँ, कोई है तो नहीं? नहीं इस कमरे में कोई नहीं है, जैसे दिल चाहे बुला लो। अरे बेगम साहिबा आइए। अरे सही से कंफर्म तो किया था ना कि यही घर है उन बड़े साहब का? हाँ यही घर है और कोई नहीं है, आ जाओ। मैंने कंफर्म किया था, पक्का यही घर है, सीमेंट भी मार दी दरवाजे पे, कोई है तो नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। भले भैया आप इनसे पूछ ले, ये भी आदमी लग रहे, कोई है तो नहीं? नहीं नहीं मैं अकेला ही आदमी हूँ, एक ही हूँ, आप पूछ लो इनसे कोई है तो नहीं। दरअसल ना इनकी बातों का बुरा मत माने, इनकी तो हर बात में यही कहने की आदत है कोई है तो नहीं। मैं बुरी शक्ल वाले का बुरा मानता ही नहीं है? और ये देखो इनकी आदत हो, हमें क्या लेना देना भाड़ में जाए। तुम ये बताओ मुझे डार्लिंग, डार्लिंग मैं माफी चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ डार्लिंग का मतलब होता है प्यारा। आप ये बताएं मुझे प्यारी, आपने अपनी गाड़ी से हमारे दादा को क्यों उड़ाया? माय मिस्टेक। नहीं 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 दरअसल मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, असल में मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, सामने से आगे एक छोटा सा प्यारा सा मियाँ मियाँ बिल्ली का बच्चा, उसको बचाने के लिए आपके दादा जान आ गए, तो बस गलती से लग गई। अच्छा इसका मतलब है कि दादा बेचारा नेकी कमाने गया था, और इसका मतलब है नेकी कर और खुद दरिया में डूब गया अभी सारा। वैसे अभी वो ठीक तो है ना? बस भूले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उसकी तो लाठरी निकल आई समझ लो। तो बुलाइए कोई है तो नहीं? नहीं वही है, मिल लेना तबीयत खुश हो जाएगी। हाँ। ओ लीचड़ बाबे। हाँ 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 बोले। अरे लीचड़ को बुला रहा हूँ, कीचड़ बाबे को नहीं, चुप हो जा। असल में घर में इन्हें सब लीचड़ी कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह से, इनको क्या डीप फ्रीज में रखा था जो इतनी जल्दी बर्फ जम गई? अरे फ्रीजर में रखते हैं तो ये हाल होता है इनका? अरे चुप रहिए आप भी, आप बुलाए कोई है तो नहीं? नहीं नहीं बुला रहा हूँ मैं, तेरे जैसा मैंने देखा था ये अपना क्लिप्टन पे मजा है ना हमारा अब्दुल शाह गाजी पे, वहाँ पे सफेद कबुआ इस तरह का। ओ लीचड़ वाला जल्दी बाहर इधर नीचे आ जाओ आप। क्या है मनहूस आदमी? तेरे पकोड़े गरम। अरे कमाल, मैं तो तुझे बिल्कुल ही नाकारा समझता था यार, तेरे को तो अल्लाह ने बड़ा हुनर दिया,
आखिरकार ढूंढ के ले आया मेरे सपनों की रानी। मांग क्या मांगता है? माफिया मांगता हूँ। वो तो मैंने तेरे को दे दी, आज ही दी है, और मांग क्या मांगता है? अपनी जायदाद मेरा नाम कर दे। कमाल, इंसान को अपनी औकात में रह के मांगना चाहिए। चल दोपहर की औकात में कर दियो मेरे को। देखिए आपका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, कहीं कोई हड्डी इधर उधर तो नहीं हो गई? हड्डियां तो सारी सही हैं। दिल उधर उधर हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया नाप की तरफ। क्या मतलब भाई, कोई है तो नहीं? भेज दे, नहीं है, है? मेरा मतलब है बिल्कुल अकेला हूँ, कुंवारा हूँ, स्टिकर भी नहीं उतरे मेरे, तो वो तो बच्चे तो मैंने लेके पाले हुए, मेरे थोड़ी है। और क्या, मेरे को तो फट्टे के नीचे से लेके पालना था। हाँ, क्या हो गया आपको? हम तो आपकी आयादत के लिए आए थे, ये तो हमें बेगड़त बनाए जा रहे हैं, कोई है तो नहीं? ये नहीं बना रहे, असल में आप जो आखिर में कहते हो ना, कोई है तो नहीं, उसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा शक लग रही है कि तुम कहीं ना कहीं बेगैरत से हो। तो तुम बेफिक्र हो जाओ, इनको मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना दादा? हाँ, अरे बड़ा भाई बोला कर यार, क्या मेरे ते 6 महीना तो बड़ा हूँ तुझसे। जेकी दादा, हाँ, तुम जिस लाइन पे जा रहे हो, हाँ, वो लाइन सही नहीं है, कच्चे में उतर दे हो तुम, अपना गेयर जो है ना टॉप में से निकाल के रिवर्स में लगाओ, ये इनकी बेगम साहिबा, इनकी बेगम है ये। क्या? हाँ, कोई है तो? आपको शर्म आनी चाहिए अंकल, है? आप एक बच्ची से शादी कर ली है? हम जैसे जवानों का हक मारा? जवान तो देखो भाई, कोई है तो नहीं? एक मिनट, लड़ तो ऐसे रहो, मुझे तो लग रही है सचमुच ड्रामा चल रहा है, अनवर मकसूद होगन का इंटरव्यू दे दिया। अबे होगन तो बहुत खूबसूरत है, तो मनुज तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, आप फौरन तलाक लीजिए इनसे। इन्होंने जिंदगी में आपको कुछ नहीं दिया होगा, कम से कम तलाक ही दे दे। क्या बात कर रहे, कोई है तो नहीं? है तो नहीं, तुम रेस देना कम करो, ये जो जा रहे हो विली हो जाएगी मोटरसाइकिल तुम्हारी। बस करो, चूड़ियां टाइट हो गई इसकी। देखे, मेरी बात सुने जरा तसल्ली से, ये ना मेरे बचपन का क्रश है, 4 साल की थी जब से मुझे ये इतने पसंद थे, फिर जाके मैंने इनसे शादी कर ली। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा भाई जान। है? भाई कह दिया मनुष औरत, ए अब कदम आजी तुम। अब तो गुलगुले गरम, वो भी नरम, बल्कि ठंडे हो गए, अरमा भी ठंडे हो गए, बारिश भी बंद हो गई, धूप निकल आई, सख्त जुलाई के महीने में खड़ा हो गया हूँ मैं। तो काम कर, गाना बदल। अच्छा, तलप तलप कैसे दिल में आ गई अच्छी ऐ लगी, ओए लोग कहते हैं जितनी अभी हम मर के चले दफन हो यार। कोई है तो नहीं? जा अंदर जाके पूछ ले। ओहो हो, घुटने तो बड़े तेज धड़क रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों और उनकी बहनों, घबराने की बात नहीं है, मैं इन्हें कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूं, आप वो करीबी मेडिकल से मंगवा लीजिएगा, करीबन कोई 150 के करीब दवाएं हैं जो सुबह से लेकर रात तक इन्हें खिलानी है, और इन्हें भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि दवाओं से ही इनका पेट भर जाएगा। अब कौन है ये फूरावर राजकुमार? अब क्या पूरे मोहल्ले की दवा लिख दी तूने, कोई है तो नहीं? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, चल बे जल। डैडी, पापा, अब्बू होश में आए ना? ऐसा भी क्या इश्क जो आप बेहोश हो गए? पापा, आप तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। अरे अंकल होश में आ गए भी। चुप हो जाओ अंकल। पापा, पापा होश में आ गए। डॉक्टर साहब जी, कितनी फीस हो गई आपकी? ज्यादा नहीं, बस 100,000 में। 93,000 कम। फिर बेहोश हो गए? जी जी जी, आपने घबराना नहीं है, और कोशिश कीजिए कि कोई भी बात इन्हें अचानक ना बताएं, रुक रुक के ठहर ठहर के बताइए, इनकी उम्र ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो ठग करके बता दी ना अपनी फीस। मेरा काम है बताना, उनका काम है चलते जाना। अरे यार बात सुनो, ये तेरा बाप क्या मतलब नशा वशा करता है क्या? होश में आता फिर जांच की तरह गिर जाता है तू? अच्छा, मैं इन्हें मजीद कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा वो टेस्ट सारे अलग अलग ग्राउंड से करवाएं, और
एक टेस्ट तो है जो इनका ऑस्ट्रेलिया से होगा, मेरा मकसद है ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा अच्छा जी जी जी। अच्छा डॉक्टर जी जी, ओ भाई जी जी, ये जो है ना इसकी उम्र ज्यादा है आप, तो एक काम कर, इसका जो है ना टेस्ट ना करा ना वनडे करा, इसका जो है ना 2020 करा दे। अरे मैं खून के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, खून का टेस्ट है, डायबिटीज का टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट हैं जो उनकी तबीयत के लिए जरूरी है। आ भाई डॉक्टर साहब, अगर खून की जरूरत पड़े ना तो मुझसे लीजिएगा। अरे चुप करके बैठो, अभी पिछले हफ्ते 2 खून की बोतलें चढ़ी हैं, खून चाहिए हो तो मुझसे लीजिए। और फिर उस बोतलें चढ़ने के बाद ये कह दिया था और खून चाहिए तो ले लो, कमाल। मादा दीना, मादा दीना। चुप कर जा। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब से ना दवाई की लिस्ट ले लो और डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आओ, जब अब्बा जी होश में आएंगे ना तो ये लिस्ट हम पकड़ा देंगे उनको पैसे की। सुनिए डॉक्टर साहब जी, फरमाइए। यही तो मैं ढूंढ रहा था, सब वही गुण हैं जिनकी मुझे तलाश थी। कोई सच मुझ दरअसल बात ये है डॉक्टर साहब कि मैं ये चाह रही थी, इनका जो एक्सीडेंट है वो मेरी गाड़ी से हुआ है। नसीब वाले हैं। जी जी, जितना भी खर्चा होगा ना वो मैं आपको दूंगी। भाई ये होती है बीवी, कोई है तो नहीं? पता नहीं है, नहीं है भाई, हमारे तो नसीब में ऐसी है नहीं, हमारे यहाँ तो काली पीली कोई भी नसीब में नहीं है, मेरे तो पाँव की लकीरें मिट गई हैं ढूंढ ढूंढ के। देखिए डॉक्टर साहब, फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन आप मेरे साथ चलें, मैं आपको एटीएम से पैसे निकाल के देती हूँ। लाल टोपी वाले भाई, ये एटीएम ज्यादा दूर तो नहीं? नजदीक, यहाँ नजदीक है, बस यहाँ से निकलोगे बाहर जाऊंगा ना। हाँ? तो पान नाले की दुकान के बराबर में यासिन का घर है, या उसकी माँ को कल तलाक हो गई बेचारी को, इतना रश शुरू हो रहे थे लोग उसको, एक आदमी तो इतने परेशान दीवार में सर मार दिया, तो वो यासिन की माँ का। मैं समझ गया, एटीएम कोने पे है, मैं समझ गया। ज्यादा दरवाजा आज तो खोलना, एटीएम हमारा जो है ना वो एसी वाला है ना, अंदर कुतिया ने बच्चे दी, गर्मी बहुत थी ना तो उधर ही रहती है वो। अरे तो कोई घबराने की बात नहीं है, जब ये बड़े हो सकते हैं तो वो भी बड़े हो जाएंगे। चलिए लाल टोपी वाले, ये बताइए कि एटीएम में कैमरास तो नहीं लगे? कैमरा तो है वहाँ पर। इसका मतलब है मुझे एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप एहतियात बरतना, लेकिन हमारी कुतिया ने नहीं बरती थी, उसकी वीडियो लीक हो गई। चलिए डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मुझे ना बहुत हैरत हो रही है। भाजी वापिस करियो, वो माशाल्लाह नसवार लगाने की जगह, मेरी बहन जो है ना डॉल्फिन मच्छी जैसी है, अगर ये होती ना मैं बड़ी कमाई करता, मैं मुंह पे घेर रख के समंदर में। चुप कर जा कमाल, हर वक्त मजाक के मूड में रहता है। मैं ये कह रही थी, जो काम मेरे शकील को करना चाहिए था, मेरे बेटे को, वो तुम्हारे अब्बा कर रहे हैं, इश्क फरमा रहे हैं जनाब, वो भी किसी दूसरी की बीवी से। ये तो इनका खानदानी ऐसा था बाजी, इसके बाप की जब शादी हुई थी ना तो वो देगे चल रही थी वहां पे खाना पकाने की, तो उसकी अम्मा जो है ना लकड़ी की देग लेके आई, पूरा गाँव देखने आया, लकड़ी की देग में बिरयानी बनेगी, भाई नीचे तेल ही लगा, पूरी देख जल गई, चावल काले काले पड़े हुए, याद आजी माहौल हो गया था। चुप कर जा। में गई तुम्हारी देख जल गई, मेरी अपनी पतीली निकल गई, मेरा मतलब एटीएम कितनी दूर है, कोई है तो नहीं? अरे एटीएम में नहीं, नहीं नजदीक ही, आप घबराएं नहीं, अभी आ जाएंगे। कोई नहीं है, वही दोनों होंगे एटीएम में। अंकल होश में आ रहे लग रहा है। या तो ये लकड़ी सीधी हो जाएगी या चमक जाएगी, ये बता दू। सुन बे जी जी, वो मोहतरमा कहाँ गई? कौन सी पापा? वो जो यहाँ रखी हुई थी, मैं उनको बुलाओ, मैं उनके कंधे पे सर रख के रो के माफी मांगना चाहता हूँ। शाबाश है, अबे पांव में पड़ के माफी मांगते हैं यार, ये तो फिर भी नहीं, अपना नहीं, मैं उनसे सॉरी करना चाहता हूँ कि वो इस चाचा की बीवी थी। तो नहीं, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा फिर दे रहा तलाक? नहीं, क्या बात है, कोई है तो नहीं? पता नहीं, तुम एक दफा तलाक दे दो फिर देखना, यही होगा। चली गई, चलो कोई नहीं भाई, सॉरी यार, कोई बात नहीं, अंदर उस पर टैग लगा दो कि ये बीवी है। आदमी गलत फहमी का शिकार हो जाता है ना, हमारी गलती नहीं थी ना, मांग में सिंदूर था तो सारा नहीं, पता नहीं चलता ना, जैसे गाड़ियों के पीछे नहीं लिखा होता कि किराए के लिए खाली है, इस तरह कुछ लगा दो कि ये शादीशुदा है ना। हम समझा करो,
यंग लोग तो फिर लुभा जाते हैं ना नई जनरेशन। जी आप भी ना बस असल में नीचे से ये काला निकल लिया ना तो इसलिए यंग कर दिया। वो पानी मिलेगा कोई है तो नहीं क्या डूब मरना है पीने के लिए भाई। अच्छा डूब मरने के लिए तो गैरतमंद होते वो मरते हैं। खाला 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 फिर आ गई दिमाग खाने के लिए। अरे खाला यहाँ तो मैं दादा की खैरियत मालूम करने के लिए आ रही थी। बाहर एटीएम के पास मुझे खातून मिली, उन्होंने ये खत दिया है और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि किसी परवेज साहब को दे देना। कौन है हम में परवेज? तुमने अपने नाम तो नहीं बदल लिया बहू? अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बाप सोच रहा था कि यार कमाल की जगह परवेज रखूं लेकिन मैंने मना कर दिया। अरे चुप कर जाइए भाई, कोई है तो नहीं, परवेज तो मैं हूँ। अच्छा आप, अच्छा उनकी वाइफ ने दिया उन्होंने? हाँ ये लिए आप, ये लीजिए आपका खत। अच्छा, पैसे होंगे मैं खाने पैसे भी जाऊंगी। इनकी इनकी वाइफ ने आपको ये खत दिया? जी जी। वहाँ एटीएम में कुत्ती के क्या हाल है? बच्चे बच्चे सही? अरे छुपो यार। वो अंकल मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ के भतीजा भतीजा बोल फिर पढ़ूंगा। भाई भतीजे मान गया ना, है बुढ़ा ला। माशाल्लाह तुम दोनों ही मेरे को माशाल्लाह जवान लग रहे हो। अल्लाह इसी तरह निकालता ये कागज। क्या हो गया? मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत खुशखबरी है। सुना सुना सुना, कोई है तो नहीं? लिखा है मेरे प्यारे से मनहूस सरताज परवेज, मैं तुम्हें 2022 में एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। बाबा को यार, अबे इस उम्र में बाप बनने वाले कोई है तो नहीं? माफी चाहता हूँ, आगे जाके जो है ना वो अफवाह थी, अब बच्चा नहीं है। लिखा है कि मैं बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई आइडियल जो है ना वो डॉक्टर या इंजीनियर, उस तलाश में भटकती रही लेकिन नहीं मिला और एक हकीम नुमा आदमी मिल गया परवेज की शक्ल में, तो मैंने तुमसे शादी कर ली। आज मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा डॉक्टर मिल गया है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, कोशिश करना तुम मुझे भूल जाओ, नहीं भी करो तो मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। और अगर कभी ज़िंदगी में मेरा तुम्हारा आमना सामना हो तो मुझे बहन कह के आगे निकल जाना, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि मैं अब तन मन धन से डॉक्टर की हो चुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने एटीएम में से मैंने जो पैसे निकाले वो भी नहीं लिए बल्कि पल्ले से मुझे दिए। तुमने मुझे ज़िंदगी भर खाया ही है, लूटा ही है, बर्बादी किया है, तो खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय। कोई है तो नहीं? था ना, यहाँ अभी था लेकिन निकल गया है।